क्या हाल है, कैसे हैं आप? सब ठीक है, उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आइए इंशाल्लाह अगला व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ आज की रूटीन शेयर करता रहूँगा। तो पहली मेरी वीडियो कैसी लगी आप सबको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सब दोस्त मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे मेरी व्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन लाइक कमेंट नहीं आ रहे। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ आज की वीडियो शेयर करता हूँ। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात, क्या हाल है दोस्तों? जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया कि जो तैयारी चल रही है कैफ़े के मतलब, तो उसी सिलसिले में हमें कुछ ये इसको कहते हैं नारियल के छिलके और ये बाल, ये आर्टिकल में काम आने थे, तो इसलिए हम ये लेने आए थे। ये एक क्या उसको बोलते हैं, प्लास्टिक पैरस की ये सीलिंग वाली स्लैपों वाली एक फैक्ट्री है। तो ये वसीम साहब भी हमारे साथ हैं, तो ये हमने मटेरियल ले लिया है। ये मिला भी बहुत सस्ता है और अच्छा है। अब दुआ करें कि हम इसको जल्दी से मुकम्मल कर लें, और जैसे जैसे तैयारी होती जाएगी हम आपको ज़रूर अपने सारे इसके मतलब बताते रहेंगे कि कहाँ तक तैयारी पहुँची, और जल्द इफ्तिताह करेंगे और सबको इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात, हमारे व्यूवर्स कैसे हैं? तो ये उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ये खड़े हैं जी वसीम साहब मियाँ चांद, और ये हमारे बहुत ही हरदिल अजीज अहमद मकसूद चिश्ती साहब, फैसलाबाद की सरजमीन के अजीम सना खान, और पाकिस्तान में और इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता ना खान हैं, हजूर के बहुत ही अच्छे सना खान हैं। और ये बंदा जो जिसका मैं अब आपके सामने तारफ़ करवा रहा हूँ, ये किसी भी तारफ़ का मोहताज नहीं, एक अजीम अजीम आर्टिस्ट हैं अपने फ़न के लिहाज से भी, और सना खानी में भी इनका बहुत अच्छा नाम है। अब ये हमारे कैफ़े के लिए जो डिज़ाइन और स्केच तैयार कर रहे हैं, जिस वाल पे लगना है, ये उसकी ग्राफिक्स कर रहे हैं, उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, और आगे चल के इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि पहले ये ड्राइंग और डिज़ाइन किस तरह इनको स्केच बना के इसका पार्टीशन करते हैं, उसके बाद इसको कैसे ये सेम अपना दीवार पे इसको ग्राफ करते हैं। ये पूरा व्लॉग आएगा, और मेरे साथ मेरे भाई छोटे भी और पार्टनर भी आमिर सलीम अंसारी साहब भी मौजूद हैं। तो दुआ कीजिएगा जल्द ये पाए तकमील तक पहुँचे, और हम इंशाल्लाह इफ्तिताह की वीडियो भी आपको दिखाएंगे। जी ये है दीवार जहाँ पर इनका स्केच बनना है, ये देखिएगा, ये है इधर दीवार, इधर ये बनाएंगे अपना स्केच। तो इधर इनका स्केच बना के सारा चाय कैफे जो है इनका बनेगा, उधर इसके स्केच बनेगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा स्केच बनने वाला है, तो जैसे जैसे बनेगा मैं आपको मज़ीद दिखाता रहूँगा। मैं और चांद आए हैं ये बाज़ार, तो इधर का रश देखिएगा, ये फैसलाबाद का कितना रश है, ये देखिएगा, ये फैसलाबाद का जंग बाज़ार है। ये जंग बाज़ार है फैसलाबाद का, ये सामने वाला, तो सामने आपको ब्लॉक टावर भी नजर आ, ये जंग बाज़ार है। ये इतना रश है ना कि इधर का कोई हाल नहीं है फैसलाबाद का, ये देखिएगा। ये देखिए
बाद स्टेडियम, ये है सिंध बाद, जो देखिएगा ये उसके उधर से अंतरिक्ष है, उधर से रोड जुड़े लगे हुए हैं। तो ये है फन लैंड, ये इधर से इसकी इंटरेस्ट होती है, फैमिली के साथ जाने चलते हैं। तो ये है बाद स्टेडियम, अभी रोड आज के टाइम का फिर ये लाइटें जाएंगी। तो ये देखिए, ये इसके ये भी इंटरेस्ट है फन लैंड के। ये देखिएगा ये इधर गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये देखिएगा सामान से चले। ये देखिए आम होटल का है, इधर गोलगप्पे जिनकी लगते हैं। तो ये है श्याम होटल, ओपन डाइनिंग। ये देखिए बहुत अच्छा खूबसूरत मंजर है, माशाल्लाह बनी थी मैकरोनी। ये देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसे है। ये ऊपर डालिए केचप। आइए सब फ्रेंड जिसने खाना है।